कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि से रिलेटेड एक बहुत ही क्विक और ऑयल फ्री रेसिपी, जिसका नाम है मखाने नारियल की झटपट चाट। बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल ऑयल फ्री और बहुत जल्दी बन जाती है। नवरात्रि में ज्यादातर हमारा खाना पीना बहुत ही ज्यादा तेल वाला या हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। आपके लिए एक और ऑप्शन हो जाएगा और आप क्विकली इसको बना भी सकते हैं, बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। झटपट मखाना नारियल चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप फ्रेश नारियल, जिसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। ये ताजा वाला नारियल है, पानी वाला, उसी को मैंने कद्दूकस किया है। लगभग 4-5 टेबलस्पून है। ये मैंने लिए हैं एक कप मखाने, लगभग 50 ग्राम के करीब। आधा नींबू, एक छोटा आलू उबला हुआ जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। एक छोटा खीरा, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है, और काली मिर्च पिसी हुई जो हम व्रत में खाते हैं। झटपट मखाना नारियल चाट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने एक बोल मखाने लिए हैं, मखाने बहुत पौष्टिक होते हैं और व्रत में खाए जाते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मखाने को हमें सबसे पहले पानी में भिगोना होगा लगभग 10 मिनट के लिए। मैंने एक बोल में सभी मखानों को इस तरीके से पानी में भिगो दिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये 10 मिनट से भीग रहे हैं, अभी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और मुलायम हो गए हैं। कभी कभी एक दो पीसेस होते हैं जो थोड़े हार्ड रह जाते हैं, तो उनको आप हाथ से कट कर सकते हैं। तो अब मैं इनका पानी पूरा छान देती हूँ। मैंने इस तरीके से सारा पानी इसका छान दिया है और मखाने बिल्कुल तैयार है। अब साफ हाथों से हम अच्छी तरीके से निचोड़ निचोड़ के इसमें डालते जाएंगे। अब इसको, क्योंकि ये बिल्कुल मुलायम पड़ चुके हैं, इन्हें हाथों से हम हल्के हाथ से मसल देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे इसके पीसेस हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चाट लगती है और ठंडक भी देती है। अब इन भीगे हुए नारियल में हम डालेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप अपने स्वाद के हिसाब से लें, एक या दो, जितना भी आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। ये मैंने लिया है 4-5 चम्मच कद्दूकस करा हुआ फ्रेश नारियल, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी उबले हुए आलू, ये एक उबला हुआ आलू है जिसे मैंने पीसेस में कट कर दिया है। सारी मैं वही चीजें ले रही हूँ जो हम फास्ट में खाते हैं। ये मैंने लिया है एक छोटा खीरा, खीरा भी मैं इसमें डाल दूंगी। सारी चीजें बहुत ठंडक देती हैं शरीर को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, और काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से। मैं यहाँ डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे नींबू, यहाँ मैंने आधा टुकड़ा लिया है और छोटा है। यहाँ मैं एक चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। बहुत बढ़िया चाट बनती है ये। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। तो बस हो गई हमारी मखाना नारियल चाट तैयार। 5 मिनट भी नहीं लगा हमें बनाने में, और बहुत ही टेस्टी, ठंडक देने वाली, हेल्दी भी, और बिल्कुल ऑयल फ्री। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बहुत बढ़िया लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो मैं करती हूँ इसे सर्व। तो ये लीजिए, झटपट मखाना नारियल चाट बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी। और आपने देखा कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल ऑयल फ्री, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। तो आप एक बार इसको नवरात्रि के व्रत में जरूर ट्राई करें।
और तो आपको अच्छी भी लगेगी, एक नया ऑप्शन भी मिल जाएगा और बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपको पूरे YouTube पर भी ये नहीं मिलेगी। तो मेरी ये पर्सनल रेसिपी है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, मुझे बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।